Everybody, I am Naman Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you about present perfect tense. Present perfect tense में आपको I V U D के साथ have का use करना है and he, she, it और Ravi के साथ has use करना है. Perfect tense में सिर्फ verb का एक ही form आता है, that is third form of verb. आप यहाँ देख सकते हैं I have eaten मतलब मैं खा चुका हूँ. जो काम खत्म हो गया उसके लिए हम perfect tense का use करते हैं. हम खा चुके हैं तो देखिए we have eaten आ जाएगा, you have eaten, they have eaten. ही शीट की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं तो हमें हैज प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं. आप इस बात को याद रखें, ही हैज टेकन मतलब वह खा चुका है, शी हैज ईटन मतलब वह खा चुकी है, रवि हैज ईटन मतलब रवि खा चुका है. आप यहाँ कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं. आई हैव टेकन फूड मतलब मैं खाना खा चुका हूँ. हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज करना है यहाँ पर. आई हैव पास टेंथ क्लास मैं टेंथ क्लास पास कर चुका हूँ. वी हैव सीन दिस मूवी हम यह पिक्चर देख चुके हैं, चुका हूँ, चुके हैं, दिस आवाज यह आवाज आएगा आपको. They have done their homework. वे अपना काम कर चुके हैं. You have passed. तुम पास हो चुके हो. Some more examples are given here. I, you, they के साथ have plus third form. I have done. मैं कर चुका हूं या मैंने कर लिया है, जो काम खत्म हो गया have plus third form यूज करना है. आप I की जगह यहाँ कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, we, you, they, और इजिली आप सेंटेंसेस बना सकते हैं यहाँ पर. I have written मैं लिख चुका हूँ, I have read मैं पढ़ चुका हूँ. Read का थर्ड फॉर्म read होता है, स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन इज चेंज्ड. I have seen मैं देख चुका हूँ, I have eaten मैं खा चुका हूँ, I have drunk मैं पी चुका हूँ, I have come मैं आ चुका हूँ, I have won मैं जीत चुका हूँ, I have taken मैं ले चुका हूँ, I have given मैं दे चुका हूँ. चुका हूँ लिया है या हुआ है या दिया है, जो काम खत्म हो गया उसके लिए परफेक्ट टेंस में have plus थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए. I understood मैं समझ चुका हूँ. I passed मैं पास हो गया हूँ. I have taken food मैं खाना खा चुका हूँ. I have taken bath मैं नहा चुका हूँ. I have reached home मैं घर पहुंच चुका हूँ. I have sent message मैं message भेज चुका हूँ. I have cooked मैं खाना बना चुका हूँ. I have cleaned room मैं रूम साफ कर चुका हूँ. I have brushed मैं ब्रश कर चुका हूँ. I have thought मैं सोच चुका हूँ. Have plus third form of verb you have to use. अब स्लाइड को रोक लीजिए और रोक कर आई वी यू दे के साथ में सेंटेंस बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इम्प्रूव, इस बात को याद रखें. यहाँ देख सकते हैं आप हैज प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया है. यहाँ पर ही और शी की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन की. ही हैज टेकन फूड वह खाना खा चुका है. ही हैज पास टेंथ क्लास वह दसवीं क्लास पास कर चुका है. ही हैज सीन दिस पिक्चर वह यह पिक्चर देख चुका है. शी हैज डन हर होमवर्क वह अपना काम कर चुकी है. शी के साथ में हर यूज कीजिएगा. इंडिया हैज वन द मैच, इंडिया मैच जीत चुका है. इट्स वेरी सिंपल बट जस्ट सिंगुलर नाउन के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है. कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर. ही हैज पास टेंथ क्लास, दसवीं क्लास पास चुका है. ही हैज डन कंप्यूटर कोर्स, वो कंप्यूटर कोर्स कर चुका है. ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है. ही हैज डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका है. हैज प्लस थर्ड फॉर्म, डू इट डन थर्ड फॉर्म यूज कीजिए. शी हैज क्लीन द रूम, वो घर साफ कर चुकी है. She has finished her work, वो अपना काम खत्म कर चुकी है. ज्यादातर मैंने बताया थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में ईडी आता है, यूज कर सकते हैं. India has won the match, India मैच जीत चुका है. Papa has taken food, singular noun, पापा खाना खा चुके हैं. Mummy has cooked food, मम्मी खाना बना चुकी है. Ravi has got his mobile, रवि को उसका मोबाइल मिल गया है या उसने उसे पा लिया है. Negative it is very simple. Negative में जस्ट आपको not का यूज करना है और कुछ नहीं है. I have not seen this movie, मैं यह पिक्चर नहीं देखा है या नहीं देख चुका हूँ. Simply you can speak about that. I have not taken food, मैंने भी खाना नहीं खाया है. I have not done, we have not done our homework, हमने हमारा होमवर्क नहीं किया है. They have not reached home, वे अभी घर नहीं पहुंचे हैं या नहीं पहुंच चुके हैं. You have not taken food, तुमने भी खाना नहीं खाया है. He has not written anything, उसने कुछ भी नहीं लिखा है. Anything मतलब होता है कुछ भी. She has not done her homework. She has not done my homework. उसने मेरा homework नहीं किया है. Bank has not closed yet. Yet मतलब होता है अभी तक. Bank singular noun, इसलिए has not लगा दीजिए. फिर third form verb use करना है आपको. Bank has not closed yet. Bank अभी तक बंद नहीं हुआ है. Train has not gone yet. Train अभी तक नहीं गई है. Match has not started yet. Match अभी तक शुरू नहीं हुआ है. सिंपली आपको जस्ट नॉट यूज करना है यहाँ पर. हैव और हैज के साथ में आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जो काम खत्म हो गया आई वी यू दे के साथ हैव लगाएं और ही शी इट के साथ में हैज यूज करें. दोनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें. या आपसे कोई पूछता है आपने खाना खा लिया, आप उसे बोल सकते हैं आई हैव टेकन फूड. आपको यह चैप्टर समझ में आया, आई हैव अंडरस्टूड. आपने लिख लिया, यस आई हैव रिटन. इन दिस मैनर आप इस तरीके से उसे रेगुलर लाइफ में यूज कर सकते हैं. आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर. इसे लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें, पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।